शाम को 8 बजे हमारी रिहाई हुई थी और परिवार जी जेल के सामने आया और हमारे को परिवार वालों के सामने से उठा करके गाड़ी में पटक कर नसीराबाद की तरफ ले गया और रस्ते में हमें धमकियाँ देने लगा भाई या तो हमारे पैसे दे लो वरना तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे हम बलात्कार का लगवाएंगे और तुम्हारे हाथ पैर पैसे पे आओगे तुम पैसे भी नहीं है तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा देंगे हम किसी से भी तोड़वा देंगे हमारे मिलने वाले बहुत सारे लोग वो सियाराम नाम का है सर श्री राम है सर वो सर नसीराबाद रहता है एल्डा बेल्डा कोई गाँव सर बेल्डा गाँव है सर कितने का आपकी लेन देन हुई वो सर लेने वाला इस्लामुद्दीन नाम का आदमी था सर वो कितने पैसे लिया उसके हमारे को पता नहीं है सर तो आपको आरोप लगा हमारे ऊपर आरोप लगा करके एक महीने से सर हम सजा काट के निकले थे निकलते उन्होंने पटक के वापस ले गए और बोले या तो हमारे पास चलो वहाँ लिखाई पढ़ाई करो हमारे पैसे दो नहीं दोगे तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे बलात्कार का केस लगवाएंगे और यहाँ पैसे भी नहीं आने देंगे आप लोगों को ऐसी ऐसी धमकियाँ दिया सर कैसे अपहरण करके ले गए आपको ये जो भी जेल के बाहर रिश्तेदारों के साथ खड़े थे सर उन्होंने उठाया और गाड़ी में पटके 8 बंदे थे सर टवेरा गाड़ी थी टवेरा गाड़ी में उठा के पटक के ले गए और फिर जैसा हम कहें वैसा करने ना नहीं तो फिर थाने से फ़ोन गया तो फिर बोला नहीं यार हम तो बात करने के लिए लाए थे हमें फिर 100 नंबर पर वीडियो कॉल करवा के बात करवाई हमसे भाई आप ऐसे बोल दो भाई हमें तो राजी खुशी उठा के लाए ऐसा हुआ सर आप किस मामले में थे हम 420 में थे सर कितने लोग हम 2 लोग थे सर एक था इसका शरीफ नाम है सर और एक था जो वो उसका पता नहीं सर कहाँ वो भी थाने में जेल में था पर पता नहीं कहाँ था वो मेरा नाम हरि नारायण है सर परिवादी रोशन अली निवासी आकोड़िया थाना राय ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी बुआ का लड़का एक हरि नारायण जाट जो कि न्यायालय से जमानत पर छूटने के बाद उनको सेंट्रल जेल पर लेने के लिए आए थे उससे पहले ही एक श्री राम वैष्णव जिसने जिसकी गाड़ी टवेरा गाड़ी थी RJ 27 TA 5157 में उनको ज़बरदस्ती पकड़ गाड़ी में पटक कर लेके गए अपहरण करके ले गए जिसको उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था जिस पर नाकाबंदी कराई गई तो दबाव में आकर के गाड़ी से उन दोनों व्यक्तियों को जिनका हरिनारायण और शरीर उसका शरीर का जो अपहरण था उनको पटक के चले गए और गाड़ी को भी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान आदर्श नगर थाने में डिटेन करके थाने पर लिया गाड़ी को जब्त कर लिया और गाड़ी के टायर मुलजिम मौके से नहीं मिले उनकी तलाश की जा रही है क्या कारण बताया जा रहा है अपहरण के इसमें कारण तो कुछ नहीं लिखा केवल ज़बरदस्ती क्या बात थी इनकी वो तो मुलजिमों से अभी पूछताछ पता चले किस कारण से किया गया